सोनोटेक कैसेट। हिमालय में त्रिशूली वो कैलाश पर्वत शिवजी के स्थान माने गए हैं। हिमालय पुत्री पार्वती का जब पुनर्जन्म मैना के गर्भ से हुआ तथा शिव की प्राप्ति के लिए नंदा व्रत लिया तो नंदा कहलाई। हिमालयवासी नंदा को पुत्री रूप में मानते हैं। गढ़वाल हिमालय में राजा के वंशजों द्वारा नंदा को मायके से शिव के पास पति ग्रह त्रिशूली पहुंचे जाने की विदाई यात्रा को नंदा देवी राज जात यात्रा के नाम से जाना और माना जाता है। मध्य हिमालय की लोक संस्कृति तथा भौगोलिक पर्यटन का एक साथ अद्भुत संयोग प्रस्तुत करती नंदा देवी राजजात यात्रा के संबंध में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 9वीं सदी से हुई। उस समय गढ़वाल में चांदपुर गढ़ी के राजा ने अपने गुरु नौटी गांव के नौटियालों के यहाँ श्री नंदा यंत्र को एक चबूतरे में जमीन के नीचे स्थापित किया था। यही श्री नंदा यंत्र सिद्ध पीठ नंदा देवी कहलाया। गढ़वाल में चांदपुर गढ़ी के समीप कांसवा गांव में चांदपुर के पंवार वंशीय राजा का छोटा भाई जा बसा था। राजा ने अपने प्रतिनिधि के रूप में नंदा राज यात्रा के लिए उसे नियुक्त किया था। प्राचीन परंपरा के अनुसार कांसवा के राजवंशीय कुंवरों तथा उनके अनुयायियों द्वारा वसंत पंचमी के दिन राजजात की मनोती के बाद माना जाता है कि इस क्षेत्र में चार सींग वाला एक मेंढा पैदा होता है। समझा जाता है कि मेंढे के जन्म लेते ही नंदा देवी मायके आ जाती हैं। माता जी
मेरी नंदा माँ, दर्शन दे माँ भक्त तेरा, कृपा करियाली मेरी नंदा माँ। तेरा द्वार आयो छो मियाँ जहा, आशीष दे जो जस दे मा सुफल करयाल, जो जस दे मा सुफल करयाल, सुख समृद्धि का बर दे भंडार, जो जस दे मा सुफल करयाल, जस दे मां सुपल करयाल, सुख समृद्धि का बर दे भंडार।
वेश्या बराबर सुमा जात उरीचा खाजा बुखुड़ा मोरी धरीचा के नवरात्र में कांसवा के कुंवर चौसिंगा खाडू, उस चार सिंगों वाले मेंढा तथा रिंगाल की छतोली इसको लेकर नौटी पहुंचते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कांसवा गौ मां भगवती नंदा को जन्म वे, हे भगवती तुमुन नेग्यो का कुलमा जन्म ले, अरे भगवती को पहलू जन्म वे नंदा बारह वर्ष की हुए गे, अरे नंदा अष्टमी को सजे भगवती की डोली। बारात याद बाटा पहुँचे मेल्या बदान जाली मानंदा
की डोली जख यू पड़े तक बराती समयनी नंदा की आत्मा बोड़ी गे आत्मा बोड़ी भगवती हिमवंती का देश तब बारा बरा सुमा वे नंदा तेरी जात अगले दिन नंदा देवी को खाडू के साथ ईड़ा बधानी जो कि कर्ण प्रयाग के पास स्थित है वहां लाया जाता है। रात्रि विश्राम के पश्चात यात्रा पुनः नौटी वापस आ जाती है। नंदा के जागर तथा विदाई गीत गाए जाते हैं।
बुग्याला शीला समुद्र नंदा घुंघूटी त्रिशूली दे माता खोले भवानी धार माँ की वाड़ा आहा खोले दे माता खोले भवानी धार माँ की वाड़ा आहा त्वेत ल्याई चा भेंट भवानी धार माँ की वाड़ा आहा त्वेत ल्याई चा भेंट भवानी धार माँ की वाड़ा आहा खोली दे माता खोले भवानी धार माँ की वाड़ा आहा खोली दे माता खोले भवानी धार माँ की वाड़ा। ये जो गीत है जो फोकलोर है ये कह रहे हैं कि खोली दे माता खोले भवानी धार माँ की वाड़ा, धर्म के किवाड़ खोलिए, अपनी आस्था के किवाड़ खोलिए और हम इस किवाड़ में अपनी आस्था चढ़ाना चाहते हैं, फूल पाती चढ़ाना चाहते हैं, मेवा चढ़ाना चाहते हैं, ये हम पहाड़ों पहाड़ वासियों की तरफ से ये प्रसाद आप स्वीकार करें। तब पहुंच जाते ये नंदा की ससुराल के लिए विदाई तीसरे दिन नौटी से होती है। इस दिन नंदा देवी राजात चौसिंगा खाडू तथा छतौली सहित राजवंशीय कुंवरों के गांव कांसवा पहुंचती है। कांसवा में राजराजेश्वरी की पूजा के साथ वहीं विश्राम किया जाता है। मान्यता है कि राजराजेश्वरी नंदा की बड़ी बहन थी। जगह जगह पूजा के समय लोगों में भावावेश होने लगता है तथा कई स्थानों पर स्थानीय ग्रामवासी नाचने गाने और झूमने लगते हैं। यह पवित्र श्रद्धा का ही एक रूप है। आसपास के गांवों से नंदा की डोली व चौसिंगा खाडू के साथ उपहारों से सुसज्जित रिंगाल की छतोली इस जात में सम्मिलित होती हैं। नंदा की पूजा में भाग लेने वाले 12 ब्राह्मण जातियां हैं। इसमें देवली देववंदन, तांत्रिक गारुड़ी, नैलवाल भगवती की आराधना करने वाले होते हैं। इसके अलावा नौटियाल, खंडूड़ी, मलेठा, मैठाणी, नौनी, गैरोला, ड्यूड़ी, थपलिया, रतूड़ी व चमोली देवी की पूजा और अर्चना करते हैं। सरी महोला
छतोरी नोटी गाँव मा बनाली माजी नंद ब्योली कासुआ बटी नयोंदी चौसिया छतोरी नोटी गाँव मा बनाली माजी नंद ब्योली तेरो डोला सज गे मा चौसिया को खाडू तेरो तेरो ढोला सज गे मा चौसिया को खाडू तेरो आगे गोया गान
नदी नालों उतार चढ़ावों को पार करते हुए राजजात गढ़वाल के राजाओं की पुरानी राजधानी चांदपुर गढ़ी पहुंचती है। यहां पर भी नंदा की पूजा की जाती है। आगे पांचवें पड़ाव सेम गांव में गैरोली व चुलाकोट की छतोलियां आकर मिलती हैं। जय नंदा जय हो माता।
पटी मा जात अब एगे लाडू की छो दे अगले दिन कोटी गांव तथा उसके बाद भगवती में रात्रि विश्राम के पश्चात राज जात का आठवां पड़ाव कुलसारी गांव होता है। यहां नंदा काली रूप में निवास करती है। अमावस्या की रात यहां धरती में दबे काली यंत्र को निकालकर नंदा से मिलवाया जाता है। रात में नंदा विदाई के करुण गीत गाए जाते हैं।
सभी पौधा माता को आशीष। आगे पिंडर नदी के किनारे थराली चैपड़ो होते हुए राजजात नंद केसरी पहुंचती है। गरुड़ से नंदा उस्तौली भेंटी डुंगरी में रात्रि पड़ाव करते हुए अमावस्या को सोना गांव तथा चैपड़ो होते हुए नंद केसरी में राजजात से मिलती है। पौराणिक कथा है कि नंदा ने अष्टभुजा देवी का रूप लेकर मधुकैटम दैत्यों का संहार यहीं पर किया था। तब एगे माजी कुमाऊ की जात तब जाद जात फल दिया गाऊ जागी गे माजी कल्याणी ज्योत कल्याणी ज्योत जगी माता यहां से राजजात फलदिया गांव के लिए मुंदोली होते हुए प्रस्थान करती है। मुंदोली से प्रातः लोहा जंग होते हुए राजजात इस यात्रा के अंतिम गांव वाण पहुंचती है। मान्यता है कि लोहा जंग में नंदा देवी के रक्त बीज से जंग हुई थी तथा यहीं पर उसका वध किया गया था। लोहा जंग में विभिन्न गांव से आई छतोलियां जात के साथ मिलती हैं और यहाँ एक भव्य सांस्कृतिक मेला भी लगता है। आगे 12 किलोमीटर की दूरी पर बाण गांव है। यहाँ कुरुड़ की बड़ी जात भी लुणतरा मानकी कांडई पगना लुआणी सुंग रामणी आला कनोल में पड़ाव करती हुई राज जात से मिलती हैं। यहाँ दशम द्वार अल्मोड़ा व दसौली की नंदा का भी राजजात से मिलन होता है। वाण गांव में नंदा के भाई चचेरे भाई लाटू का निवास स्थान है। मान्यता है कि वह बहन नंदा को विदा करने जा रहा था तो रास्ते में मादक द्रव्य पी लिया। नंदा ने उसे यहां बंद कर दिया। नंदा की भेंट यहां लाटू से करवाई जाती है। आगे यात्रा में लाटू का निशान अर्थात ध्वज चलता है। यहाँ से महिलाएं बच्चे व बाजे राजे गाजे राजजात के साथ आगे चलते हैं। बिना वाद्य यंत्रों के नंदा की डोली चौसंग्या खाडू गांव गांव से आई छतोलियों के साथ राजजात रणिकाधार होते हुए नील गंगा पार कर कठिन चढ़ाई पर चढ़ती है। तुएन माता
असुर संहार। गैरोली पाताल तेरो पड़ो। सघन जंगल के बीचों बीच खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए गैरोली पाताल में अगला पड़ाव होता है। गैरोली पाताल में देवदार के वृक्षों के नीचे हजारों यात्री रात्रि विश्राम करके अगली सुबह फिर चढ़ाई शुरू करते हैं। तब जाने नंदा बदनी का कुंड जग मारी माजी रक्त बीज देत। आगे खूबसूरत बुग्याल के बीच वेदनी कुंड है। नंदा की वार्षिक जात का अंतिम पड़ाव यही है। कुरूर देवराड़ा नंदा की वार्षिक जात भादो शुक्ल पक्ष युक्ता भरणी सप्तमी को उस्तौली सरियाणी भेंटी बांगली डूंगरी सूना नंद केसरी फलदिया गांव मुंदोली वाण होते हुए वेदनी कुंड तक पहुंचती है। राजजात में यहाँ पर यशोधवल के लिए पितृ तर्पण की परंपरा भी है। जग ओलू भाई द्यो सिंह द्यो सिंह होलू तेरा अगवान। द्यो सिंह नंदा रूप कुंड पहुंचे जग ले गे माजी घरा गोर तीस। पहाड़ी ढलानों पर छित्रे गांव की पगडंडियों से होते हुए राजजात गहरी घाटियों के बाद अब आकाश छूती बर्फीली पर्वत चोटियों से घिरे व दूर दूर तक पसरे मखमली बुग्यालों से होकर गुजरती है। वेदिनी से आगे पत्थरों के गोल घेरे में बना खलिहान नुमा स्थल पातर नचोणे नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व कन्नौज के राजा यशोधवल अपनी रानी बल्लभा के साथ नाचने वाली पात्रों और अनेक महिला व पुरुषों के साथ नंदा देवी राजजाता में शामिल हुए थे। राजा ने धार्मिक मान्यताओं के विपरीत यहाँ पर पात्रें नचाई थी जिससे नंदा देवी कुपित हो गई तथा पात्रें शिलाएं बन गई। यहाँ से कुछ आगे गंगतौली गुफा है। कहा जाता है कि रानी बल्लभा का प्रसव राजजात में इसी गंगतौली गुफा में हुआ था। छूत अर्थात सूतक, इसके कारण नंदा देवी अत्यधिक क्रुद्ध हो गई और आगे रूप कुंड के ऊपर जुना गली में राजजात जा रही थी कि तूफान बर्फ और ओलावृष्टि से
सभी यात्री रूप कुंड व उसके आसपास गिर पड़े। न्यून तापमान के कारण रूप कुंड में आज भी उस समय के लगभग 600 वर्ष पुराने अस्थि कंकाल बिखरे पड़े हुए देखे जा सकते हैं। पातन नचोण के बाद कलवा विनायक, भगवा वासा, रूप कुंड, जूना गली होते हुए सिला समुद्र में राजजात का अगला पड़ाव होता है। यहाँ से दुर्गम पहाड़ी ढलानों के पश्चात राजजात नवमी के दिन होमकुंड पहुँचती है। त्रिशूली के बाद समुद्र तल से 4061 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होमकुंड में एक विशाल शिला पर श्री यंत्र उकेरा गया है। यही एक हवन कुंड भी है। राजजात में आई सभी छतोलियों को कतार में रखकर यहाँ नंदा को अर्पित किया जाता है। छतोलियों के मध्य में चौसिंगा खाडू की पूजा की जाती है। नवमी के दिन मेंढे को सजाकर उसके पीठ पर एक थैले में माइकी की सामग्री, वस्त्र, आभूषण, खाद्य सामग्री जैसे चावल, चूड़ा, आरसा, ब्यूला, कौड़ी की बाल, ककड़ी, गोदड़ी, दाड़िम, नारंगी आदि रखकर उसे कैलाश त्रिशूली की ओर भेज दिया जाता है। सब लोग हाथ जोड़कर नंदा से विदा लेते हैं। राज छतोली को प्रसाद रूप में बांटा जाता है। सभी यात्री रात्रि विश्राम के लिए वापस डाली चंदनिया घाट आ जाते हैं और अगले दिन सुतोल में पड़ाव के लिए घाट होते हुए जात वापस नौटी के लिए प्रस्थान करती है।